यहाँ पर कावेरी नदी पर बसा हुआ है। उनकी तपस्या से खुश होकर खुद ब्रह्मा जी ने इस मंदिर की रचना की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है और ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं ये बनाया हुआ श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर का। इसकी कुछ कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर की। अभी हमको यहाँ मास्क लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम अभी अंदर पहुँच रहे हैं। ये बाहर से आने का रास्ता है श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर का। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है बाहर से आने का रास्ता श्री रंग। इस मंदिर की ये कहानी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। ये अभी हम दूसरे गेट पर एंट्री कर लिए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सकते हैं दोस्तों, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लॉकडाउन के बाद खुल चुका है ये मंदिर। बहुत ही अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँ, ये जो मंदिर है यहाँ पर कावेरी नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी जी के नाम से बना हुआ ये मंदिर। इस मंदिर की यह कहानी के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर गौतम ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर खुद ब्रह्मा जी ने इस मंदिर की रचना की। और ये पूरा एरिया जो कावेरी नदी के किनारे ये मंदिर बसा है, तो मंदिर के उधर साइड में कावेरी नदी है, जो पूरा एरिया श्री गौतम ऋषि जी को दे दिया गया था। लेकिन बताते हैं कि कुछ साधुओं ने उन पर झूठा गऊ हत्या का आरोप लगाया और फिर ये एरिया अपने नाम कर लिया। देखा जाए तो ये पूरा एरिया पहले गौतम ऋषि के अधिकार में आता था, क्योंकि गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। गौतम ऋषि जी की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का स्वयं निर्माण किया है। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये खुद ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर है। और ये मैसूर से करीब 15 किलोमीटर पहले है श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर। रंगनाथ स्वामी ही विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो दोस्तों आप भी इधर आ सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये सोने के स्तंभ है जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये सोने के जो ऊपर गुम्बद जो बनी हुई है सोने की है, ऊपर जो बने हुए हैं ये सोने के आप देख सकते हैं। Oh.
दोस्तों आप भी इधर आ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।